वेलकम टू GS डिजिटल। आज हम पाइथन विद कोड 2024 में पढ़ना है कि हमारे जो कोड्स हैं फैक्टोरियल्स उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक क्या है कि रिक्विजिशन और फैक्टोरियल्स इन पाइथन पाइथन विद कोड। फैक्टोरियल्स या रिक्विजिशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन को मैथमेटिकलेशन के तहत मैथ के तहत हम उसका जवाब लेना चाहते हैं। कोई इतनी बड़ी पावर्स होती है जिसको हमने उसकी कैलकुलेशन करके मेथड्स के ज़रिए रिजल्ट्स लेना होता है, जिसके लिए क्या करना होता है कि हमें एक रिक्विजिशंस और फैक्टोरियल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक फैक्टोरियल लिया है 5, अब इसकी हमने पावर निकालनी है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, ये इसमें जिसमें जो भी हम नंबर या कोई चीज़ लेते हैं उसको उतने तक मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद उसका जवाब दे देता है। तो ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से लिख कर सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तो वो कोड जहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने एक कोड लिखा है, इसमें क्या है डेफ फंक्शन फैक्टोरियल के, उसको फैक्टोरियल को लेने हैं इफ एन इक्वल टू जीरो और एन इक्वल टू वन रिटर्न वन एल्स रिटर्न इन n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। अब उसको जितनी दफ़ा होगा वो उतनी दफ़ा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंड पे वो जो भी नंबर होगा उसका जवाब आ जाएगा। तो ये एक कोड है, इसको हमने सेव करना है कोड को, उसके बाद जाके हमने रन ऑप्शन पे जाके मॉड्यूल रन मॉड्यूल पे जाके ओपन करना है। तो देखिए ये 120 आ गया। तो ये 120 कैसे आया है, इसको हमने निकालना है। तो इसका मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ इस कैलकुलेटर से। आप देखें, मैं कहता हूं कि मैंने 5 अमाउंट रखी हुई थी, ये देखें ये 5 रखी हुई थी। 5 कैसे आया कि आप देखें, 5 को मैं करता हूं 5 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 60 हो गया, फिर आगे 2 120 आ गया। यानी पहले 5 ने ज़रब खाया 4 से, फिर जो जवाब आया वो ज़रब खाएगा 3 से, फिर जो जवाब आएगा वो ज़रब खाएगा 2 से, तो ये 120 जवाब आ गया। इस तरह हमें कोई कोड्स ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन निकालनी होती है, तो वो हम इसके थ्रू फैक्टोरियल के थ्रू अपने पाइथन विद कोड से निकालते हैं। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और कमेंट्स भी लाजमी दे दिया करें। शुक्रिया।